नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनिंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लड़कियों, आज मुझे आपसे बात करनी है। आप लोग प्यार करो लेकिन थोड़ा अपना माइंड सेट जो है उसको खोल करके, दिमाग खोल करके और आंखें खोल करके, कान खोल करके, दिमाग खोल करके तब आप प्यार कीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि मैं गलत बोल रही हूँ। गलत तो बोल ही रही हूँ, क्योंकि जब किसी से प्यार होता है तो ये सब चीज़ें काम नहीं आती हैं, बस प्यार हो जाता है। इसलिए बहुत सारे बाद में दुष्परिणाम भी निकलते हैं। ठीक है, मतलब कई बार बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन अगर अगर कोई आपसे अपनी असलियत छिपा करके आपसे प्यार कर रहा है तो वो बहुत ही गलत है। और जब प्यार में कोई मकसद हो, यानी कि आपसे कोई लड़का प्यार करता है लेकिन वो आपसे प्यार करता है, आप पे शादी का प्रेशर करता है, आपका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है, तो आप भी बताइए ये प्यार कैसा हुआ? आप जिस रूप में हैं उस रूप में मैं क्या आपसे वो प्यार नहीं कर सकता? खैर, कोई बात आपको समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन केरल में पिछले 10 साल के दौरान करीब 10,000 लड़कियों ने अपना धर्म परिवर्तन किया। क्यों? क्योंकि वो प्यार में पड़ी हुई थी। और केरल हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि ISIS के इशारे पे ये लड़कियां प्यार में फंसा करके उनके धर्म जो है परिवर्तन किए गए, यानी कि उनका ब्रेन वॉश किया गया, उन्हें आतंकवाद के रास्ते पे भेजा गया। अब जब सवाल आया है कि लव जिहाद होता है या नहीं होता है, तो मैं भी समझती हूँ कि लव जिहाद के बारे में एक लंबी बहस है, एक लंबी बहस का विषय है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि शुरुआत में इसे सिरे से नकारने वाली कांग्रेस ने भी बाद में इसे माना कि ये लव जिहाद होता है। आतंकवाद के प्यार से मैं कहाँ पहुँच गई आतंकवाद में, लेकिन यही सच है। आतंकवाद के दूसरे रूपों की तरह लव जिहाद भी एक गहरी साजिश है। समाज में सोशल मीडिया के जरिए लव जिहाद की गहरी पैठ बनाई जा रही है, साजिश रची जा रही है। इसकी आड़ में देश में धर्म परिवर्तन कराने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कई मुस्लिम लड़के हिंदू नाम से फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, भोली भाली हिंदू लड़कियों को अपने प्यार में फंसाते हैं। आमतौर पे यह एक मुस्लिम लड़के से एक हिंदू लड़की के प्यार और शादी की बात लगती है, लेकिन इसके पीछे गहरी साजिश है। इसमें लव जिहादी गैंग के लड़के लड़कियों को बहला फुसला करके अपने जाल में फंसाते हैं। अब जब कोई हिंदू बेटी इनकार करती है तो उसकी जान ले ली जाती है। प्यार से इनकार पर आखिर कोई किसी की जान कैसे ले जा सकता है, ये भी एक सोचने की बात है। ये ज़रूर आतंकवादियों की साजिश है, जिसमें मुस्लिम लड़कों का ब्रेन वॉश कर हमानियत का उन्हें पाठ पढ़ाया जाता है। अब ये तो कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़कों को इस काम के पैसे भी मिलते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाने के लिए एक मुस्लिम लड़के को एक निश्चित अमाउंट मिलता है, यानी कि ये पूरा पैकेज है लव जिहाद का। अगर आपने लड़की से प्यार किया तो आपको ये अमाउंट मिलेगा, आपने लड़की को प्यार से आगे शादी तक ले आए हैं तो आपको ये अमाउंट मिलेगा, शादी आपने कर ली है तो आपको ये अमाउंट मिलेगा, एंड देन जब वो लड़की आपके प्यार में पड़ करके शादी कर लेती है और प्रेग्नेंट हो जाती है, उस समय लव जिहादी ये जानते हैं कि उस लड़की को कितना दुख, कितना अफसोस होता है। उस समय के अमाउंट जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये पूरा पैकेज है, और इस पैकेज के जरिए लड़कियों को फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अब आप कल रात की घटना देखिए ना,
झारखंड के दुमका में अंकिता ने अपनी जान गंवा दी। बात क्या थी? एक तरफा प्यार। कहा जा रहा है कि एक तरफा प्यार, 12वीं में पढ़ने वाली ये लड़की 5 दिन तक अपने जिंदगी और मौत से लड़ती रही और कल सुबह यानी कि रविवार की सुबह ये पता चलता है कि अंकिता नहीं रही। लेकिन अंकिता जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ के गई है उन लड़कियों के लिए जो ट्रेन के जाल में फंस करके अपनी जिंदगी बर्बाद करती है। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि ये लड़की उससे प्यार नहीं करती थी, जैसा कि अंकिता ने कहा, जैसा कि अंकिता के माता पिता ने कहा, लड़का ही एक तरफा प्यार करता था। और उसके बाद अब काफ़ी सारी राजनीतिक गतिविधियां इस पूरे मामले में शुरू हो चुकी हैं और पूरे दुमका में एक तनाव सा बना हुआ है। वारदात के बाद बजरंग दल और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपी को फास्ट ट्रैक के जरिए जल्दी से जल्दी सजा की मांग भी की जा रही है। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है अंकिता के फेवर में, कुछ लोग अंकिता के अपोज में भी हैं। कल्पना श्रीवास्तव का एक ट्वीट देखिए। झारखंड में लव जिहाद की शिकार हुई अंकिता सिंह के परिजनों से संपर्क करवाए। मैं हत्यारे को फांसी की सजा दिलवाना चाहती हूँ। मुझे झारखंड के मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि किसी को झारखंड के मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं है और वो उस लड़की के लिए अपने दिल में बहुत भाव रखती हैं और चाहती है कि जिस लड़के ने उसको धोखा दिया है, उसको जलाया है, उसको जो कुछ भी उसके साथ बुरा हो वो सब किया है, उसको वो सजा दिलवाना चाहती है। अश्विनी उपाध्याय भी ऐसा ही ट्वीट करते हैं कि लव जिहाद ख़त्म करना है तो विशेष दर्जा प्राप्त स्कूल जो है विदेशी फंडिंग से जो चल रहे हैं उनको बंद कराया जाए और देश में समान नागरिक संहिता, समान दंड संहिता, समान न्यायिक संहिता लागू कराई जाए और धर्म नियंत्रण, हवाला नियंत्रण, काला धन नियंत्रण और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए। अच्छा, कल्पना को सपोर्ट करती हैं साध्वी प्रज्ञा सुमन। वो कहती हैं कि कल्पना, ये लव जिहाद नहीं था, ये एक गद्दार देशद्रोही मुस्लिम जिहादी द्वारा एक तरफा प्यार में सोती हुई लड़की को आधी रात में खिड़की से पेट्रोल छिड़क करके जला करके हत्या करने का मामला है। आतंकवादी वारदात है, ये न्यायिक दृष्टिकोण से रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट क्राइम की श्रेणी में आएगा, इसे सजा होनी चाहिए। आप देखिए, जिस सोशल मीडिया, जिस प्लेटफॉर्म से लव जिहादी लड़कियों को फंसाते हैं, उसी प्लेटफॉर्म से जस्टिस फॉर अंकिता हैशटैग ट्रेंड कर रहा है इस समय। अस्पताल में जिंदगी की जंग हारने के बाद अंकिता ने जाते जाते ये बताया कि वो अपने कमरे में सो रही थी और अचानक उसने देखा कि उसके खिड़की के आसपास आग की लपटें हैं जो उसे भी अपने में समेट लेती हैं और दूर वो देखती है भागते हुए मोहल्ले के एक लड़के शाहरुख हुसैन को, जो उसके घर की ओर से पेट्रोल का कैन लेकर के भाग रहा था बाहर की तरफ। उस समय तक उसके शरीर पे काफ़ी जलन महसूस हो रही थी, बस वो इतना ही देख पाई थी कि उसने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी। ये उसका एक जो लास्ट स्टेटमेंट था मजिस्ट्रेट के सामने। अच्छा, ये वही शाहरुख है जो पिछले 10-15 दिन से उसे परेशान कर रहा था। मोहल्ले में उसकी जो एक छवि होती है वो भी आवारा किस्म के लड़के की थी। उसका काम सिर्फ लड़कियों को परेशान करना होता था, अपने झांसे में लेकर के इधर उधर घुमाना। अंकिता को भी उसने
अपने प्रेशर में लेना चाहा। अंकिता ने ये बयान अपने बयान में ही कहा है कि वो उसके आगे पीछे घूम रहा था पिछले 10-15 दिन से। ट्यूशन जाती थी तब भी वो उसके पीछे रहता था, हालांकि उसने कभी उसकी हरकतों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन उसने कहीं से उसका मोबाइल का नंबर ले लिया और फिर उसके बाद उसको वो दोस्ती के लिए प्रेशर बनाने लगा। और अंकिता ने उसे साफ साफ कह दिया कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अब अंकिता जैसा कि कह रही है, शाहरुख ने उसको धमकी भी दी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो या तो उसे और उसके परिवार वालों को ख़त्म कर देगा, या तो उसकी हरकतों से अंकिता को पहले ही अंदेशा था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि उसके साथ वो ऐसा कर देगा। ये 22 अगस्त की रात होती है जब उसने धमकी दी थी, और अगर उसने ये भी कहा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो सुबह जो है वो नहीं देख पाएगी, बहुत बड़ी बात थी। अब रात को वो सो जाती है और उसी सेम नाइट में उसके साथ ये हादसा हो जाता है। अंकिता को पहले स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन जब उसकी हालत बिगड़ती है तो 23 अगस्त की शाम को उसे रांची के रिम्स के लिए रेफर कर दिया गया। 5 दिनों तक जब उसका इलाज रिम्स में चला और उसके बाद 28 अगस्त की आधी रात को वो जिंदगी की लड़ाई में हार जाती है, तो उसके बाद उसका ये बयान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चंद्रजीत सिंह और SDPO नूर मुस्तफा के सामने उसने ये वाली बात जो है कही, यानी कि उसका ये बयान था। देखिए बड़ी अजीब बात है, वो लड़का शाहरुख, चूंकि उसने बयान दे दिया था, पुलिस फटाफट से उसको पकड़ भी लेती है, और जब गिरफ्तार कर लिया जाता है शाहरुख, तो आप उसकी लिमिट देखिए कि वो हिरासत में भी हंसते हुए जा रहा है। ये मैंने भी देखा, एक वीडियो वायरल हो रहा है इस समय। इससे ये पता चलता है कि उसे अपने आकाओं के ऊपर शायद पूरा भरोसा होगा, उनके कहने से वो ये बात काम कर रहा है, इसीलिए वो हंस रहा था कि आप मुझे लेके जा रहे हो, मैं तो छूट ही जाऊँगा। और वीडियो में शाहरुख को अपने किए पे किसी तरह का कोई अफसोस नहीं है। ये बात झारखंड की है, लेकिन मैं आपको बताऊँ ऐसे किससे हर शहर, हर गली में, हर स्टेट में हो रहे हैं। अब हाल ही में हरियाणा में बल्लभगढ़ में भी एक हिंदू लड़की निकिता तोमर की मोहम्मद तौफीक ने गोली मार के हत्या कर दी थी। ये घटना 2020 की है। इस्लामी जिहादी मोहम्मद तौफीक ने निकिता को अपने प्रेम जाल में फंसाने की हर संभव कोशिश की। बीकॉम फाइनल की वो छात्रा होती है, शाम को 4 बजे अग्रवाल कॉलेज से परीक्षा देकर के निकली थी कि तौफीक ने कार से अपहरण करने की कोशिश की। कार में खींचने की कोशिश में जब वो विफल रहा तो तौफीक ने निकिता को गोली मार दी और वहीं वो खत्म हो जाती है। निकिता के साथ भी यही हुआ था, कई बार वो उसको अपने प्रेम जाल में फंसा करके वो उसका धर्म परिवर्तन करना चाह रहा था। एक बार पहले भी इसी निकिता को 2018 में अपहरण कर लिया गया था इसका, और बदनामी के डर से माता पिता ने किसी से बात नहीं की, बताया नहीं। उसका नतीजा ये हुआ कि 2 साल के बाद फिर से उसने कोशिश की और उसका अपहरण कर लिया और निकिता को बुरखा पहनाने और धर्म परिवर्तन करने में जब वो सफल नहीं हो सका तो सरेआम उसने गोली से बौछार कर दी और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। अब उत्तर प्रदेश की अंजना तिवारी को लीजिए, लव जिहाद का शिकार हो जाने के बाद उसने आत्मदाह कर लिया था। कभी हिंदू मुस्लिम वाली बातों को सांप्रदायिक बताने वाली महाराजगंज की अंजना तिवारी ने परिवार और समाज के खिलाफ जाकर के मुस्लिम लड़के से शादी की थी। आसिफ था वो लड़का, निकाह के बाद इस्लाम भी कबूल कर लिया। जाहिर सी बात है, जब किसी को किसी से प्रेम होता है तो वो कुछ भी कर लेता है। अंजना तिवारी ने आयशा मन्ना स्वीकार कर लिया, लेकिन शादी से पहले प्रेम जाल में फंसाने वाला आसिफ निकाह के बाद एकदम बदल चुका था। आसिफ नौकरी के नाम पर सऊदी अरब चला गया, जिसके बाद परिवार ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। आसिफ के परिवार के उत्पीड़न से तंग आकर के आयशा ने
13 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो जाती है। एक और किस्सा है उत्तर प्रदेश के मेरठ का। एक मुस्लिम युवक दानिश ने हिंदू युवती को अपने प्रेम में फंसाया, उस युवती का नाम भी बदल दिया। शादी के बाद महिला को पता चलता है कि सोनू का असली नाम दानिश है और उसने अपना धर्म छिपा करके शादी की। इसके बाद उसने सोनू को ही अपना जीवन साथी चुन लिया और अपने आप को भी समझा लिया, और इसी दौरान इस कपल के दो बच्चे भी होते हैं। इसके बाद दानिश ने उसका जयपुर का एक मकान और गहने बिकवा दिए। दानिश काफ़ी समय से इसी महिला के पैसे पे ऐश कर रहा था, और उसके बाद जब पैसे खत्म हो गए, मकान बिक गया, गहने बिक गए, तो वो उसको छोड़ करके विदेश भाग गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुछ वर्ष पहले शालिनी यादव नाम की एक हिंदू लड़की को फैजल से दोस्ती होती है, शादी करती है, धर्म बदलती है, अपना नाम शालिनी यादव से फिजा फातिमा बन जाती है। शालिनी यादव के भाई विकास यादव का कहना है कि फैजल लव जिहाद गैंग का सरगना है, यही कारण है कि उसने शालिनी को इस्लाम कबूल करवाया और फिजा फातिमा बना डाला। सवाल ये है कि धर्म बदलने की जरूरत क्या है। मैंने शुरू में ही कहा था कि प्रेम, लड़कियां प्रेम का अर्थ जरूर समझ लें, हालांकि ये बात उनको कभी भी समझ नहीं आएगी। मैं समझती हूँ कि जो प्रेम करने वाला इंसान होता है उसे कभी भी ये बात समझ में नहीं आती कि उसे करना क्या है, बस वो प्रेम में पड़ जाता है। खैर, मैं बता रही थी कि धर्म बदलने की ज़रूरत क्या है प्रेम में, और धर्म शालिनी यादव ने ही क्यों बदला, फैजल ने क्यों नहीं। तभी तो कहते हैं कि ये लव नहीं, ये लव जिहाद है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये लव जिहाद कई हमारी जो हिंदू बहन बेटियां हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। अच्छा, मतलब केवल ये नॉर्थ की ही बात नहीं है, बिहार की घटना का मैंने जिक्र किया आपसे, असम में भी तमाम ऐसी घटनाएं हैं, लव जिहाद के कई सारे मामले सामने आए हैं। यहाँ हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवकों ने हिंदू नाम बता करके अपने प्रेम में फंसा लिया, इन लड़कियों का धर्मांतरण करके निकाह किया गया, और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये साफ कहा कि जो मुस्लिम लड़के फर्जी नाम रख करके लड़कियों से निकाह करते हैं, वह शादी नहीं, विश्वासघात करते हैं। मैं खुद इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि अगर आप किसी को असलियत छिपा करके प्रेम करते हैं या निकाह करते हैं, विवाह करते हैं, तो ये विश्वासघात है। कई मुस्लिम लड़के हिंदू नाम रख करके फेसबुक अकाउंट बनाते हैं, मंदिरों को बैकग्राउंड में रख करके फ़ोटो खिंचवाते हैं, और फिर वो फ़ोटो पोस्ट करते हैं ताकि जो सामने वाली लड़की उनके प्रेम में पड़ी हुई है वह समझे कि ये बड़ा धार्मिक भी है, मंदिर भी जाता है और हाथ में कलावा भी बांधता है। और जब वो उसके बहुत करीब तक चली जाती है तब उसे पता चलता है कि वो उस धर्म से नहीं है जिस धर्म का वो दिखा रहा है। तो ये विवाह बंधन नहीं है बल्कि ये विश्वास का उल्लंघन है। लव जिहाद या रोमियो जिहाद एक बहुत बड़ी साजिश है जिसके तहत युवा मुस्लिम गैर मुस्लिम लड़कियों के साथ प्यार का ढोंग करके धर्म परिवर्तन करते हैं। अगर भारत के संदर्भ में ये अधिकतर अधिकांश हिंदू युवतियों के साथ किया जाता है, अब ये साफ हो गया है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और पूरी दुनिया को इस्लाम में बदल देने के आह्वान से जुड़ा हुआ है। अच्छा, एक और बात है, मतलब उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। कई संगठनों की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि हाथ में कलावा और सिर्फ माथे पे तिलक लगा करके लव जिहादी दूसरे धर्मों का होने का ढोंग करते हैं, इन्हें बाइक और पैसा दे दिया जाता है ताकि लड़कियों को अपने जाल में फंसा सकें। और स्कूलों के बल्कि मैंने खुद कई बार देखा है लड़कियों के जो स्कूल हैं उनके आसपास ये लड़के घूमते रहते हैं और इन्हें इसके लिए पैसा भी मिलता है। बीते साल कोझिकोड लॉ कॉलेज से जहांगीर रजाक नाम के लव जिहादी ने 42 लड़कियों को एक साथ एक ही समय में उनके साथ प्रेम भी किया, उन्हें फंसा भी लिया, उन सबको
मिला करके उसने एक सेक्स रैकेट चलाना शुरू कर दिया। और ऐसी ही एक लड़की थी गीता, जो दिल्ली की रहने वाली थी, उसे फिर बाद में पता चलता है कि उसके साथ क्या हो गया, और उसके बाद उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। मैं इसीलिए शुरुआत में लड़कियों आपसे ये कह रही थी कि आप जब प्यार करें तो थोड़े से अपने विवेक का भी इस्तेमाल करें। हालांकि बात वही आती है कि जब आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं तो आपका विवेक आपके साथ होता ही कहाँ है, आपको उस समय कोई समझ में नहीं आता, आप सीधे सीधे एक अट्रैक्शन के चलते सामने वाले के प्रेम में पड़ जाते हैं, बिना ये जाने कि वो कौन है, उसकी चाल क्या है, उसकी साजिश क्या है, क्या वो मतलब जो आपको दिख रहा है वैसा ही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। इसीलिए तो धीरे धीरे ये जो घटनाएं हो रही हैं इनको लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। लेकिन इन सब से अलग मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि अपवाद हर जगह होते हैं। हर मुस्लिम लड़का ऐसा नहीं होता, जैसा कि अब अंकिता का जो अंकिता की ज़िंदगी में जिसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, यूँ कहिए उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। और भी मैंने कई लड़कियों का जिक्र किया, हर लड़का ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे मैंने लड़के देखे हैं, लड़कियां देखी हैं, जो अलग धर्म के होते हैं लेकिन बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन लव जिहाद को आपको लड़कियों समझना तो होगा ना। तो ये आपको कंटेंट कैसा लगा मैं आपसे जानना चाहूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी देती हुई वीडियो है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, लाइक का बटन दबाना है। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो केवल आपको टेक्स्ट करना होगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।